और आपके लिए एक सजेशन है, एक टिप है। और एक चीज मुझे अच्छी नहीं लगती इसमें, और इसी के साथ अपनी बाइक 27 किलोमीटर चल चुकी है, अभी बाइक बंद हो चुकी है, पूरा थ्रॉटल देके रखा हूँ। सो हेलो दोस्तों, कैम से बता मजा मा। सो दोस्तों, ये रेड यूक 200 जो कि हमने अगस्त 2024 में बाइक करी है। सो आज इसका हम लोग माइलेज टेस्ट करने वाले हैं, और ये बाइक का फर्स्ट सर्विस हो चुका है और ये ब्रांड न्यू 2024 का मॉडल है। ग्राफिक देख के आपको पता चल ही रहा होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टंकी में जो पेट्रोल पड़ा है उसको रिमूव करते हैं। अभी छोटा भाई आते हुए, देखो दोस्तों पेट्रोल बाहर आ रहा है, हम लोग ऐसे पाइप डाल के पेट्रोल रिमूव करते हैं। सो दोस्तों अभी अपना पेट्रोल रिमूव हो चुका है। सो एक बार आपको स्टार्ट करके दिखा देता हूँ, बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है, स्टार्ट नहीं हो रही है। अभी इधर पे हमने ट्रिप भी ज़ीरो करके रख ली है। सो अभी इसमें 1 लीटर पेट्रोल डालते हैं और फिर चलते हैं राइड करने के लिए। सो आज देखते हैं ये 2024 ड्यूक 200 कितना माइलेज निकाल के दे देती है। सो दोस्तों ये रहा 1 लीटर पेट्रोल। सो अभी इसमें डालते हैं, आराम से डालना पड़ेगा, थोड़ा गिर गया। और दोस्तों ये वीडियो मैं विद पिलियन के साथ कर रहा हूँ, उज्ज्वल भाई मेरे साथ रहने वाले हैं, और हम दोनों का वेट 150 किलो है टोटल। सो 150 किलो वेट ये बाइक पे कैरी होने वाला है अभी। और ये रहा 1 लीटर पेट्रोल, आपके सामने मैंने डाल दिया है। सो अभी आपको बाइक एक बार स्टार्ट करके भी दिखा देता हूँ, थोड़ा टाइम के लिए फ्यूल पम्प वर्क करने देना पड़ेगा। सो ये देखो एक ही सेल्स में अपनी बाइक स्टार्ट हो चुकी है। सो दोस्तों फाइनली अभी हम लोग हाईवे पे आ चुके हैं। सो अभी ये बाइक को भगाते हैं, गाड़ी तो टॉप चल रही है। इसी के साथ अपनी बाइक 2 किलोमीटर चल चुकी है, और दोस्तों इसका परफॉर्मेंस तो तगड़ा लग रहा है मुझे। अभी इसका ब्रेक भी टेस्ट करते हैं, देखो आगे का ब्रेक मार रहा हूँ, एकदम परफेक्ट ब्रेक लग रही है, पीछे का भी ब्रेक परफेक्ट लग रहा है दोस्तों, एक नंबर ब्रेकिंग है। और दोस्तों 15-20 किलोमीटर पर यह बाइक को हम लोग बंद करेंगे और स्टार्ट करके देखेंगे कि स्टार्ट होती है या नहीं होती है, क्योंकि कोई कोई गाड़ी ऐसी होती है कि फिर थोड़ा बहुत पेट्रोल ख़त्म होने के बाद स्टार्ट नहीं होती है। सो चलो फिलहाल अपने हाईवे पे अभी भगाते हैं अपनी बाइक को। और हमारे उधर हाईवे बहुत ख़राब हो चुका है दोस्तों, इसके वजह से गाड़ी, ये देखो खड्डा, इसकी वजह से गाड़ी इधर थोड़ी संभाल के चलानी पड़ती है। और अभी नॉर्मली आपका भाई 80-90 पे गाड़ी चला रहा है। और इसी के साथ अपनी बाइक 4 किलोमीटर चल चुकी है दोस्तों। मैंने ड्यूक 200 BS6 का भी माइलेज टेस्ट बनाया था 2024 का, वो भी 50 के क्रॉस हो गया है। तो थैंक यू सो मच आप सबका प्यार और इतना सपोर्ट देने के लिए। अभी आगे देखो पुलिस वाले जा रहे हैं, तो अभी आराम आराम से हमको निकलना पड़ेगा उनके बाजू में से, ये तो पता चला कि हमारा मेमो लग जाएगा, गोटी गलती मार। और आज मैं माइलेज टेस्ट करने के लिए लेट निकला हूँ, 6 बज चुका है दोस्तों अभी शाम के। सो चलो अभी यूक 200 को थोड़ा बूस्ट करा जाए, और प्रॉपर आपका भाई हाईवे पे दबा के भगा ही लेता है, उड़ती है एकदम। और एक चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती इसमें कि बार बार मोड चेंज करना पड़ता है ट्रिप वन के लिए। और आपका भाई जेन्युइन वीडियो बनाता है दोस्तों, तो थोड़ा सपोर्ट दिखा देना। और इसी के साथ अपनी बाइक 11 किलोमीटर चल चुकी है दोस्तों, और इधर पे एवरेज ट्रिप वन में शो कर रही है 32.7 किलोमीटर की। तो देखते हैं BS7 कितना माइलेज निकाल के देती है। और देखो दोस्तों अभी भगाते भगाते बीच बीच में इतना रास्ता ख़राब आ रहा है, देखो गाड़ी की ब्रेक भी बहुत सही लग रही है, सस्पेंशन भी सही वर्क कर रहा है। सो दोस्तों मैंने अभी 17 किलोमीटर पे ये बाइक बंद करी है, अभी स्टार्ट होती है नहीं होती एक बार देख लेते हैं। ये बाइक एक ही सेल में स्टार्ट हो चुकी है, सो चलो वापस इसको लेके चलते हैं। तो चलो अपनी ड्यूकी को भगा दे, हाईवे खाली है थोड़ा, तो गजब भाग रही है, बहुत प्यारा रास्ता है ना, एकदम हाईवे बोले तो एकदम मक्खन की तरह हाईवे है हमारे उधर का। और धूल देखो कैसे उड़ रही है, ऐसा फीलिंग आ रहा है कि हम लोग लद्दाख में घूम रहे हैं, और गाड़ी थोड़ी झटका ले रही है ऐसा मुझे फील हो रहा है, पावर ड्रॉप कर रही है ऐसा। और इसी के साथ अपनी बाइक 20 किलोमीटर चल चुकी है दोस्तों। हम लोग आ चुके हैं हमारी वापसी सिटी में, और आगे से हम लोग लेंगे राइट टर्न और चलेंगे और सिटी में स्पीड ब्रेकर वाले एरिया में। और ये बाइक बहुत स्मूथ चल रही है, अभी तक एक भी झटका मारा नहीं है बाइक ने। और इसी के साथ अपनी बाइक 27 किलोमीटर चल चुकी है, देखो हमारे उधर कितना ट्रैफिक रहता है दोस्तों। और GoPro में भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है मुझे, फाइल रिपेयरिंग करके आ रहा है। सो मुझे थोड़ा बताना किसी को आइडिया रहे तो कि ये फाइल रिपेयरिंग का सिस्टम क्या है, मुझे आइडिया नहीं है। सो अभी हम लोग यहाँ से मारेंगे लेफ्ट टर्न, और लेफ्ट टर्न मार के चलेंगे उस साइड पर। अभी देखो ये कार वाला कैसे चला रहा है, तो ऐसे ट्रैफिक में ही बराबर माइलेज निकल के आती है। और ये रहा हमारा फर्स्ट स्पीड ब्रेकर, अभी आगे तो बहुत है, 17-18 स्पीड ब्रेकर है टोटल, और गाड़ी झटका मार रही है, पिकअप नहीं ले रही है प्रॉपर।
और ये रहा हमारा 18वां स्पीड ब्रेकर। और दोस्तों सच सच बताऊँ ना तो ये गाड़ी का ब्रेकिंग बहुत परफेक्ट दिया है, सस्पेंशन भी प्रॉपर वर्क कर रहा है, पिकअप बिकअप वाइज भी सही है। हाँ थोड़ा हल्का वाइब्रेशन है, 200cc में हल्का वाइब्रेशन मिलता ही है आपको, बाकी गाड़ी चलने में एकदम मक्खन है, मज़ा आ रहा है चलाने में। तो गाड़ी बंद हो चुकी है, गाड़ी बंद हो चुकी है, थोड़ा डांसिंग करवाते हैं, चलो अभी चालू होगी। वापस चालू हो गई है दोस्तों, तो लेके जाते हैं अभी, कहाँ तक जाती है देखते हैं इसको। सो दोस्तों देखो अभी बाइक बंद हो चुकी है, पूरा थ्रोटल देके रखा हूँ बापू। सो चलो वापस एक बार स्टार्ट करके देखते हैं इसको, वापस स्टार्ट हो गई, एयर बन रहा है कि पता नहीं मुझे, मगर स्टार्ट हो रही है वापस। सो दोस्तों देखो गाड़ी बंदी हो चुकी है अभी, और अभी आपको इसका रियल माइलेज दिखाता हूँ, 28.8 का माइलेज आया है। इधर पे आपको फ़ोटो देखने को मिल जाएगा, तो आप चेकआउट कर लेना। सो अभी साथ में जो पेट्रोल लाया था वो डाल देता हूँ, और आपके लिए एक सजेशन है, एक टिप है, और स्टार्ट करने से पहले एक बार क्विल स्विच ऑन करके बाइक का फ्यूल पंप 5 या 6 सेकंड तक वर्क करने देना, उसके बाद ही गाड़ी में सेल अप्लाई करना, वरना गाड़ी का सेल्स मोटर जल जाएगा और फ्यूल पम्प भी जल जाएगा। सो ये स्टार्ट किया, बाइक एक ही सेल में स्टार्ट हो चुकी है।